अस्सलाम वालेकुम। फूड बुक बाय क्राम में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और जल्दी से आप ये मटन बिरयानी तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। आप तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। आप उसमें ये 1 चम्मच मैं ज़ीरा शामिल करूँगी, कड़ी पत्ता, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 अदद काली मिर्च और 3 से 4 अदद लौंग, और 4 अदद ये मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये शामिल कर दूंगी। और इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन बस फ्राई करेंगे जी। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं। बिरयानी मसाला रेडी करने के लिए मैंने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 3 से 4 अदद ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 3 अदद मैंने छोटी बड़ी दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5 अदद मैंने इलायची ली है, 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 अदद मैंने जायफल और जावित्री के ये टुकड़े लिए हैं। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, अब मैं इसे सेपरेट निकाल लूंगी जी। तो ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और प्याज इस तरह से फ्राई हो गया है। हम इसे ज्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, सिर्फ नॉर्मल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें वैसे मैं ये थोड़ा सा सेपरेट निकाल लूंगी, ये मैंने 1/2 kg मटन लिया था, इसको मैंने कुकर में डाल के गला लिया है, ये शामिल करूंगी, मिक्स करेंगे अब इसके साथ ही मैं 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच ही हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। और इसको मिक्स कर लेंगे जी। तो अब इसके साथ ये जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया है ये मैं शामिल करूंगी, सिर्फ 1 चम्मच मैं बचा लूंगी, ये देखें इतना सा मैं सेपरेट निकाल लूंगी। और इसको एक से दो मिनट में ये सारे मसाले को भून लूंगी ताकि मसाले की जो कच्चापन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए जी। तो ये देखें मसाले भी अच्छी तरह से हमारे साथ में फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी शामिल करूंगी, 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे उन्हें मैंने सिंपली ग्राइंड कर लिया है, ये शामिल कर दूंगी। और इसके अलावा साथ में 1 कप दही शामिल करेंगे, 6 से 7 अदद आलू बुखारे हैं ये शामिल करूंगी, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस मसाले को मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी जी। तो चावल उबालने के लिए मैंने पानी लिया है, पानी हम चावल से 3 टाइम ज़्यादा लेंगे, और चावल में मैं ये 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 ग्लास चावल हैं तो 2 ग्लास के हिसाब से 2 चम्मच नमक शामिल करूँगी चावल में, साथ में थोड़े से पुदीना, 3 अदद लेमन स्लाइसेस और 1 अदद मैंने हरी मिर्च लेके उसके पीसेस कर लिए हैं, एक दफ़ा मिक्स कर लें।
और पानी को बॉयल आने तक मैं इसको कवर कर दूंगी जी। तो यहाँ पे चावलों को मैंने 5 से 6 मिनट तक बस पानी में बॉयल कर लिया है। इससे ये देखें, ये 70% तक उबल गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। अब मैं इनको निकाल लूंगी। जी तो ये देखें, जब तक हमारे चावल डन हुए हैं, मसाला भी रेडी हो गया। एक दफ़ा मिक्स कर लें मसाले को, और इसमें से मैं हाफ मसाला जो है वो सेपरेट निकाल लूँगी। ज़रदा रंग शामिल करूँगी मैं नीचे, पुदीने के पत्ते और आधे चावल की तह लगा देंगे। ये देखें, टमाटर, नींबू, जो हमने प्याज सेपरेट निकाली थी वो डाल दूंगी मैं, मसाला था वो शामिल करूंगी। अब दोबारा से मसाला जो है वो ऐड करूंगी। बाकी के बचे हुए चावल की तह लगा दूंगी। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दूंगी। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। बिरयानी हमारी रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। जी तो देखिए, रेडी है हमारी मज़ेदार सी मटन बिरयानी। तो देखा आपने ये कितनी आसानी से और जल्दी आप मटन बिरयानी रेडी कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।